एएम न्यूज स्पंदन महाराष्ट्राचे। महिलांच्या आरोग्य तसेच स्वास्थ्याची जनजागृती होण्यासाठी रन फॉर अ वन या अभियानाचं आयोजन करण्यात आलं। हे अभियान जम्मूच्या लेह इथे जम्मू पर्यटन विभागाने आयोजित केलं होतं। जम्मू मध्ये पहिल्यांदाच या अभियानाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। तो मुझे तो लगता है कि ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक सोसाइटी में एक सोशल एक्टिविटी या सब फ्रेंड सर्कल का भी फर्क पड़ता है। जब हम आए हैं तो देखा कि यहाँ पे कितने सारी लेडीज हैं, मतलब अच्छा है। और ये होते रहने चाहिए एटलीस्ट वन इन अ मंथ। तो जैसे अब दिल्ली में होता है तो इंस्पायर तो है ही है ना। वहाँ जम्मू में पहली बार हो रहा है, उसी के लिए तो कह रहे हैं कि ये होने चाहिए जम्मू में भी। आई थिंक ये बहुत कंपलसरी भी है और ऐसे इवेंट्स ईयरली नहीं मंथली होने चाहिए, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि बच्चे फास्ट फूड के विदाउट मतलब सर्वाइव कर ही नहीं पाते हैं। और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आजकल हो ही रही है फास्ट फूड की वजह से। मतलब डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ भाई फास्ट फूड कम करो, ये वो, ठीक है, बहुत ऑबेसिटी है, जो भी है। तो आई थिंक ऐसे कैंप्स होते रहने चाहिए ताकि हर कोई अवेयर रहे। इनफैक्ट फैमिलीज में भी ये चीज़ें मतलब जब पता लगती हैं कि हाँ भाई हमारी फीमेल्स जा रही हैं ये वो, तो उस चीज़ के लिए फैमिली को भी एक प्रॉपर मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। और ऐसी चीज़ें होने से डेफिनेटली अवेयरनेस तो है ही है, फिटनेस भी है ये, साथ साथ ये कि एक लेडी जो है वो सोचती है कि हाँ हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं अगर हम लोग ऐसे मतलब 4 किलोमीटर रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं देख रही हूँ कई लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने सूट्स डाले हैं, उसके ऊपर टी शर्ट्स पहन के आई हैं। मतलब एक ऐसे कह लो कि एक जज्बा है उनमें भी कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। एएम न्यूज़ स्पंदन महाराष्ट्र से।